नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली सीयूटी 2023 यूजी का जो एग्जाम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत कम ही बच्चे बचे हुए हैं जिनका एग्जाम अब धीरे धीरे हो रहा है। कुछ ही दिनों में ये पूरे बच्चे जो हैं अपना एग्जाम दे के फ्री हो जाएंगे और वो एक ही चीज का इंतजार करेंगे कि हमारा आंसर की और रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और ऐसे में बच्चे बार बार सबसे इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग एक टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या कट ऑफ होगा। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU जो कि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी है। अभी हाल ही में NIRF की रैंकिंग आई जिसमें काशी विश्वविद्यालय को एक बार फिर से पांचवी रैंक हासिल हुई है जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने का जो सपना है वो बच्चे इसलिए भी रखते हैं क्योंकि यहाँ की फीस जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही सही है और यहाँ का जो रहन सहन है, जो ये शहर है बनारस, वो रस से भरा हुआ है और एक आध्यात्मिक शहर है। ये तमाम चीजें जो हैं वो बनारस और काशी विश्वविद्यालय को बेहतर बनाती हैं। तो फाइनली काशी विश्वविद्यालय में जिनका भी पढ़ने का सपना है वो आज इस वीडियो के साथ साकार कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में काशी विश्वविद्यालय में एक कोर्स चलता है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें कितने नंबर लाओगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा, फुल एनालिसिस वीडियो जो है वो आपके सामने ये रहा। सो फाइनली मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखोगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे क्योंकि ये वीडियो आसानी से नहीं बना है। जब आप इसको देखोगे तो खुद ही जज कर पाओगे कि कितना बेहतर तरीके से एनालिसिस की गई है। चूंकि 2022 के एग्जाम और जो आपके एलिजिबिलिटी मार्क्स थे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, वो बदल दिए गए हैं। अब ये जो बदलाव है वो कितना है, कैसे है, इन सभी चीजों का कैलकुलेशन करके ही 2023 का अनऑफिशियल कट ऑफ आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। सो फाइनली इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि काशी विश्वविद्यालय यानी BHU के BA में दो स्ट्रीम है, यानी एक भाई और एक बहन है या दो जुड़वा भाई है। एक का नाम है आर्ट्स ऑनर्स और दूसरे का नाम है सोशल साइंस ऑनर्स। दोनों में ऑनर्स है। अब ये ऑनर्स क्या होता है, प्रोग्राम डिग्री क्या होती है, आर्ट्स में क्या होता है, सोशल साइंस में क्या होता है, ये हमारा एक नेक्स्ट वीडियो होगा जो कि इसके बाद हम लोग बात करेंगे। सो फाइनली ये टॉपिक जो है इस वीडियो के बाद आने वाली है। इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, इसके लिए भी हमको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू किया जाए। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आपको जब BA में आना है तो BA में आपके लिए सीट कितनी ऑफर की जा रही है। इट मींस काशी विश्वविद्यालय के BA में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और किस किस कॉलेज में चलाया जाता है। जब हम लोग DU की बात करते हैं यानी डेली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो डेली यूनिवर्सिटी में उसके बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज आते हैं। काशी विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है। BHU के गिने चुने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं टोटल 5, उसमें कुछ इंटीग्रेटेड, कुछ इसके पार्ट्स और कुछ इसके एफिलिएटेड। वो भी एक हमारा अलग विषय होगा जिसको हम लोग किसी और वीडियो में बातें करेंगे। तो फाइनली जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बॉयज के लिए हमने जो निकाला है वो है 555 और 200। ये टोटल FMC का फर्स्ट सीट है। ठीक है, इसमें DA भी एडेड है। मैं बताऊंगा ये सब क्या चीजें हैं, परेशान मत होना। और जो गर्ल्स की टोटल सीटें हैं वो ऑलमोस्ट 2000 है, 2000 है, ध्यान दीजिएगा। लड़कियों के लिए BHU में एडमिशन लेना आसान है और ये बस आर्ट्स की सीटें हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आर्ट्स की सीटें मैं डिस्कस कर रहा हूं, किसी वीडियो में आपके आपसे सोशल की सीट डिस्कस करूंगा। और लगभग ये जो आर्ट्स की सीटें हैं इसकी 50% सीटें जो है आपके सोशल में भी मिलेंगे। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे सुपर न्यूमेरिक सीटें होती हैं लाइक स्पोर्ट्स कोटा, पेड सीट। मैं एक अलग वीडियो में पेड सीट पे बातें करूंगा। तो ये जो डेटा है कि हाँ सर 555, 200 और ये 2000 लड़कियों के लिए कैसा डेटा है, तो एक रॉ डेटा है जो कि सबसे बेसिक सीट्स निकल के आती हैं। ठीक है, अभी इस पे कई सारे परसेंटेज ऐड होते हैं और आपकी सीटें बहुत बढ़ती भी हैं।
वो एक अलग विषय होगा जिसको हम लोग किसी और में बात करेंगे। ये समझ लो कि ये आपकी फिक्स इतनी दावेदारी वाली सीटें हैं जिसपे कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये हमें सीटें लेनी है, इसलिए मैंने इतनी सीटें लिखी है। इसमें आपका MMB एडेड है, AMPG एडेड है, VCW, VKM एडेड है, साथ ही साथ DA भी एडेड है। ठीक है, तो ये सभी इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस ऐड करके मैं यहाँ पे आपकी टोटल सीटें लिखा हूं। अलग अलग सीटें आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे अलग अलग सीटें भी लिखी गई हैं, जैसे कि FMC में टोटल 765 सीटें रखी गई हैं, 286 आपके MME में, 383 आपके अदर एफिलिएटेड, और इस तरीके से पूरा फॉलो अप है। तो जो एफएमसी में अगर आपसे कोई सीट पूछे बॉयज गर्ल्स मिला के तो 765 है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सेपरेट करके बताया था क्योंकि 33% लगभग 30% के आसपास गर्ल्स रिजर्वेशन होता है, वो कैलकुलेशन कहीं किसी और दिन किया जाएगा। अब हमारे पास जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है निकल के कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ मेकिंग था वो किस तरीके से फ्रेम हुआ था, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो कैसे बना था, तो वो आप यहाँ पे ऑफिशियल लिस्ट के थ्रू देख सकते हो। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको ऑफिशियल कट ऑफ का स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहा हूं जिसमें हट जा रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ऑफिशियल कट ऑफ की बेसिस पे ही मैंने आगे का जो डेटा है वो एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधे कट ऑफ मेकिंग 2022। 2022 का कट ऑफ जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय नंबर ऑफ मार्क्स, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो अलग थे, आपका BHU ने कितना मार्क्स कंसीडर किया इस चीज को जानना पड़ेगा। साथ ही साथ CUT 2022 में पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था तो उसमें GT के कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए थे, उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चंस कितने आप अटेम्प्ट किए थे, ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में आपके पास GT का क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो 75 आया था, 75 में से आपको 60 अटेम्प्ट करना था। उसी तरीके से लैंग्वेज की बात करें तो 50 आया था और 40 आपको अटेम्प्ट करना था। ये है 2022 CUT का इतिहास। मैं आपको बता दूं कि आप अगर BHU BA में एडमिशन लेना चाहते हो तो जो एलिजिबल सेक्शंस हैं वो ओनली GT एंड लैंग्वेज, यानी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। आपने अगर डोमेन नहीं दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आप लोग प्लीज ये दिमाग में बैठा लें, मैं GT और लैंग्वेज इसीलिए लिखा हूं। तो टोटल जो यहाँ पे एड आप करते हो तो ये हो जाता है 100, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स और ये हो जाता है आपका टोटल 500। ठीक है, और लेकिन BHU ने जब अपना मेरिट बनाने का काम किया, जब अपना कट ऑफ मेकिंग काम शुरू किया, तो इन्होंने लैंग्वेज के 50% मार्क्स को भी कंसीडर किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप टोटल यहां पे जाहिर सी बात है कि 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना था, सपोज कोई बच्चा 200 में 200 ले आया, मान लो हिंदी का पेपर है पूरा 200 में 200 ले आया, लेकिन अब उसका जब कट ऑफ बनेगा तो GT में जितना मार्क्स पाया है वो और लैंग्वेज का 50% ही वो लोग ऐड करेंगे, ये कह रहा हूं मैं, तो 100 नंबर ही ऐड होगा। इसीलिए मैं आपको लिखा हूं कि 5 तो था, ठीक है, लेकिन 400 पे ही आपका यहां पे कंसीडर हुआ क्या टोटल कट ऑफ। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि 23 में क्या प्लानिंग है। 23 में सबसे पहले देखो कि CUT क्या कह रहा है कि आपको हम GT में देंगे 60 क्वेश्चन, अटेंड करने पड़ेगा 50 और लैंग्वेज देंगे 50 और अटेंड करना पड़ेगा 40, यानी टोटल यहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल के आ रहा है वो 90 क्वेश्चंस ही है। आपको 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है और अगर आप 90 को टोटल कैलकुलेट करते हो तो लगभग ये आता है हमारा टोटल कितना 450 नंबर का। अगर हम लोग 2022 के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो कुछ ये भी बन के निकल के आएगा कितना 350 नंबर का, कितना हो जाएगा 350। ध्यान दीजिएगा आपकी जो कट ऑफ मेकिंग है वो मैंने दोनों पे करी, यानी 350 पे भी करी है और 450 पे भी करी है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। वैसे भी आप मेरे फॉलोअर वीडियो जरूर देखोगे, काम आपका बनने वाला नहीं है जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे। तो इस वीडियो के साथ आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हर एक बंदा जो है, चाहे जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, वो आज इसको लाइक जरूर करेगा और साथ ही साथ आज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि यहां पे आपको ऑफिशियल कट ऑफ वीडियो मिलेंगे और पूरा एनालाइज वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आते हैं जो आपके लिए मैंने कट ऑफ बनाया है 2023 का। ये देखो थोड़ा सा एक ट्वेल्थ लेवल पे अंडरस्टैंड करना, और जब आप एक एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि आप अभी एकदम फ्रेशर हो, अभी जस्ट आप स्टार्ट किए हो बहुत सारे एग्जाम देना, तो ऐसे में आपको मैं सच में एक बात बता दूं कि ये जो पूरा कैलकुलेशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, बट आप कोशिश करो चीजों को समझने के लिए कि मैंने इसको कैसे कैलकुलेट कराया।
इसको जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो ये है कि उस समय 100 क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्वेश्चन बेसिस पे किया हूं, 100 क्वेश्चंस पे लगभग 86 का पहला कट ऑफ गया, यानी 86 क्वेश्चन सही करने पे पहला नंबर जो लड़का था वो टॉप किया था 340 नंबर के साथ, 86 क्वेश्चन के साथ 100 में। लेकिन जब हम उसे 90 में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ये आता है लगभग 76, जबकि मैंने इसको लिखा 75। तो ये मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे को सेटिस्फाई करने के लिए, जिससे कि आप कम से कम आज ये अपने आप को रिलैक्स करा सको कि हाँ, यदि आप 90 में से लगभग 75 क्वेश्चन सही करके आए हो तो यहां पे आप गारंटी दे सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अभी घटेगा, इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि सर हम तो 55, 50, 60 पे रुक गए। मैं आपको स्टार्टिंग बताया कि ये फर्स्ट राउंड कट ऑफ है, यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड कट ऑफ है, ठीक है, अनऑफिशियल फर्स्ट राउंड कट ऑफ है। ये अभी बहुत नीचे जाएगा, अबाउट 10 कट ऑफ आते हैं भाई, 10 कट ऑफ आते हैं और बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। सो प्लीज आप लोग हर एक पॉइंट को समझिए, पैनिक नहीं होना है, ये मैं बस आपको सेटिस्फाई करने के लिए इतना एकदम प्योर एक दिया हूं नंबर्स। अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो लगभग 72 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे, अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74, और आपका अगर एससी की बात करें तो 52, और एसटी की बात करें तो 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहां पे कैलकुलेट करा है। लेकिन ये कैलकुलेट मैंने करा है जब लैंग्वेज को पूरा माना जाएगा, ये मैंने कैलकुलेट करा है जब जीटी को 100% कंसीडर किया जाएगा। अगर ये लोग इस बार भी लैंग्वेज को 50% में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के वेरिएशंस में चेंजेस आएगा। लेकिन यहां पे एक बात और है कि जो बच्चा इस तरीके के नंबर्स करेक्ट किया होगा क्वेश्चंस में, उनके सिलेक्शंस में डाउट नहीं कर सकते। कहने का जो पूरा सेंस निकल के वो ये आ रहा है कि इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे सिलेक्शन होने की 100% उम्मीदें हैं, और इसके नीचे कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने की है वो घटेगी। सो प्लीज आप लोग, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मैं ऑफिशियल पता करके बताऊंगा कि जो लैंग्वेज है वो 50% कंसीडर होगा या लैंग्वेज 100% कंसीडर होगा, ये मेरा काम है। चूंकि कासिम विश्वविद्यालय का छात्र हूं, बहुत बढ़िया से एक्सपीरियंस किया हुआ है एडमिशन प्रोसेस को, हर एक चीजों को बहुत अच्छे से समझा है, यही रीजन है कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, हर एक पॉइंट्स को समझिए और इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और आने वाली हर एक वीडियो को जरूर फॉलो करिए जिससे आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। चूंकि अभी मैं आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा बीएचयू में जिसमें आप जाते हो, तो मैं सच बता रहा हूं, लास्ट ईयर में आप बीटेक को पछाड़ोगे, बीटेक की प्लेसमेंट नहीं होती है 6 लाख 5 लाख, लेकिन आप यहां बीएचयू में बीए करके 5 से 6 लाख 7 लाख का पैकेज उठाओगे यदि आप चीजों को समझोगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हिडन एंड अनटेकन कोर्स सब्जेक्ट्स हैं बीएचयू में जो चूक जाते हैं, जो बच्चे नहीं लेते हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए जिससे आपको ये आइडिया लगे कि हाँ, बीएचयू बीए में भी ऐसे सब्जेक्ट्स आप कॉम्बिनेशंस हैं जिसको लेने के बाद आपका प्लेसमेंट हो सकता है, जिसको लेने के बाद आप यूपीएससी के लिए, जाहिर सी बात है बच्चों की बहुत डिमांड रहती है कि यूपीएससी के लिए कैसे कॉम्बिनेशंस ले, वन डे एग्जाम्स के लिए कैसे कॉम्बिनेशंस ले, प्रोफेसर बनना है, टीचर्स बनना है, तब कैसे कॉम्बिनेशंस ले, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को समझना। सो प्लीज हमको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और आने वाली हर एक वीडियोस को देखें और मुस्कुराते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत सारी शुभकामनाएं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।